अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल वाले आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें और ऑप्शंस में जाके नोटिफिकेशन में ऑल में क्लिक कर दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीजल वर्क्स। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बजाज ऑटो रिक्शा का जो ये इंजेक्टर है इसको हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे और इसका प्रेशर को कैसे सेट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसके नोजल कैप नट को। दोस्तों, अगर आपने इसके पंप रिपेयर या फिर पियाजी ऑटो के पंप रिपेयर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर भी लिंक आ रहा होगा या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो ये रहा इसका नोजल कैप नट निकल गया है, ये रहा इसका नोजल, ये है प्रेशर बोल्ट, इसके बाद है ये स्प्रिंग और स्प्रिंग के अंदर लगता है सिम, इसी से प्रेशर को आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग असेंबल करते हैं। सबसे पहले जाएगा इसके अंदर सिम, तो सिम को हम लोग ऐसे डालेंगे। सिम को डालने के बाद इसके ऊपर लगेगा स्प्रिंग और स्प्रिंग के जस्ट ऊपर लगेगा प्रेशर बोल्ट। अब प्रेशर बोल्ट के ऊपर हम लोग लगाएंगे इसको, और इसके बाद लगेगा दोस्तों नोजल। नोजल को दोस्तों इसके ऊपर ऐसे लगाना, इसके बाद लगेगा नोजल कैप नट। अब इसको हम लोग टाइट कर देंगे और इसके बाद करेंगे हम लोग टेस्ट। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, क्योंकि आप लोग मुझे यूट्यूब पर प्यार और सपोर्ट दे ही रहे हो। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर ले और वहाँ पे भी अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। फॉलो करने के लिए लिंक जो है दोस्तों वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोजल पाइप तो लगा दिया हमने, चलिए अब हम लोग इंजेक्टर को लगाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये काम तो बिल्कुल सही से कर रहा है लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी है। तो चलिए वो कमी क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो है इसका प्रेशर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका जो प्रेशर है वो 130 के आसपास है, तो इसका प्रेशर जो है उसको अब हम लोग सेट करेंगे। इसका जो प्रेशर है उसको सही करने के लिए इसके सिम में एडजस्टमेंट करना होगा। तो चलिए इसको खोल लेते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि इसके प्रेशर को कैसे सही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेंगे सिम, ये रहा हमारा सिम। अब इसको जल्दी से खोल लेते हैं। सिम जो है वो स्प्रिंग के नीचे लगेगा, तो सिम को हम लोगों को ऐसे लगाना, ये रहा सिम, इसको स्प्रिंग में ऐसे लगाना है, उसके बाद इसको ऐसे डाल देना है। दोस्तों, अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को वो रेड वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, और साथ ही जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका प्रेशर जो है वो सही हुआ या फिर नहीं हुआ। उसका जो प्रेशर है दोस्तों वो 140 से लेकर 145 तक रहना चाहिए। ये जो है काम भी सही तरीके से कर रहा है और इसके साउंड जो है वो भी अच्छी है। अब इसका जो है प्रेशर जो है वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसका जो प्रेशर वो सही हो गया है, ये 140 तक आ रहा है।